नमस्ते दोस्तों, CCMP यानी सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी अगले कुछ महीनों में इसका एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा और इस कोर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है NOC फ्रॉम महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ होम्योपैथी। तो ये जो NOC है इसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, वो जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। और इस चैनल के ऊपर CCMP के बारे में और भी कुछ 3-4 इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ है जिसकी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, उसको आप ज़रूर देखिए। और इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो ये अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं कि ये जो फॉर्म है वो एग्जैक्टली कैसे ऑनलाइन भरना है, क्या क्या डिटेल्स इसमें डालनी है, पेमेंट कैसे करना है, सब देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्रोम ब्राउज़र में जाइए, फिर वहाँ पर लिखिए MCH मुंबई, ऐसा लिख देंगे तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आ गया गूगल में, हम पहले सर्च कर लेंगे MCH मुंबई, जो पहले है MCHmumbai.org उस पर क्लिक कीजिए तो वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगा। फिर एक बार कंफर्म कर लीजिए कि उन्हीं का है कि नहीं, कभी कभी कुछ फेक भी रहता है ऐसे इसमें, तो ये कंफर्म है यही है। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन में हमको जाना है। अगर आपका पहले user ID और पासवर्ड नहीं है तो उसको पहले क्रिएट कर लीजिए क्योंकि वो ज़रूरी है। तो मेरा ऑलरेडी है तो इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे जा रहा हूँ। और फिर देखिए यहाँ पे है जो आपको user ID आपका वो वहाँ पे डालना है और फिर उसके बाद में जो है आपका पासवर्ड डालना है। अगर आपने वो क्रिएट नहीं किया है तो बाजू में ही उसका ऑप्शन होता है उसको क्रिएट करने के लिए, ईजी प्रोसीजर है, खाली 1-2 मिनट या 5 मिनट लगेगा उसको। जो भी आपका प्रिफर्ड user ID और पासवर्ड है जो आपको याद में रहेगा ऐसा डालिए क्योंकि ये ज़रूरी है। बाद में आपको इसको भी NCH की वेबसाइट में भी लिंक करना पड़ता है, कोशिश करूँगा उसका भी मैं एक वीडियो आपके लिए डालता हूँ। तो अभी हम ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर गए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे NOC फॉर फार्माकोलॉजी कोर्स, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ओके। तो इसको हमने क्लिक कर दिया, ये पेज हमारे सामने ओपन हो गया। उसके लिए हमको सबसे पहले डालना है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमको मिला है उसको वहाँ पर डालिए। फिर इसके बाद में हमको डालना है जो डेट को हमने हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब रजिस्टर किया था काउंसिल में जाके, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे पहले ऑफलाइन था तो वो नंबर जो है वहाँ पे डालना है। तो ये मेरा वाला नंबर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, हो सकता है फॉर सिक्योरिटी रीज़न मैं कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड कर दूँ यहाँ से। ये यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी डालनी है बिकॉज़ ये जो इन्फॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट है, कोई भी इसको यूज़ में ला सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे हो गया, ये डालने के बाद अभी एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा। हमको क्या क्या चाहिए, तो जेरॉक्स चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का, फ्रंट और बैक साइड, ID प्रूफ चाहिए, उसमें पैन कार्ड चलेगा, वोटिंग कार्ड चलेगा, पासपोर्ट और आधार कार्ड चलेगा, एड्रेस प्रूफ के लिए टेलीफोन बिल, लाइट बिल, आधार कार्ड ये चलेगा। ये सब डॉक्यूमेंट को MCH को पोस्ट के थ्रू भेजना है आफ्टर एप्लीकेशन का प्रिंट और पेमेंट रिसिप्ट। पेमेंट कितना लगेगा वो भी है। तो इसमें पर्सनल डिटेल क्या क्या लगती है, नाम है, मिडल नेम है, फिर सरनेम है, जेंडर मेल फीमेल, नेशनलिटी आपको लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ब्लड ग्रुप लिखना है, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह ये सब लिखना है। लिखिए आधार कार्ड कंपलसरी है तो वो लिखिए वहाँ पर। फिर आपका एड्रेस अगर चेंज है तो वो लिखिए वहाँ पर, नया एड्रेस है तो वो लिखिए, पिन कोड लिखिए, जैसा भी आपका तालुका गाँव वगैरह है, डिस्ट्रिक्ट है, वो सब यहाँ पर फिल कीजिए। टेलीफोन नंबर 2 डालिए सो दैट, और एड्रेस भी आपका परमानेंट और ये वाला है तो जो आपको डालना है वो डाल सकते हो आप। आपका ईमेल ज़रूर डालिए और फिर आपका क्वालिफिकेशन लिखिए, आप BHMS है, MD है, DHMS है या LECH जो भी है वो लिखिए वहाँ पे। और फिर उसके बाद आपका इंटर्नशिप कब से कब हुआ, आप पास आउट कब हुए, कौन से कॉलेज से हुए, ये सब डालिए। और फाइनली जो है आपका एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा। यहाँ पे NOC फी 2000 और ये वाला पोस्टेज है उसको क्लिक कर दीजिए और फिर जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो नीचे दिखेंगे। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो है 400 KB तक चाहिए उसका फ़ोटो। फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का फ्रंट एंड बैक है दोनों, ID प्रूफ, voter ID, आधार कार्ड ही रखिए क्योंकि दोनों जगह हम अपलोड कर सकते हैं उसको, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है तो यहाँ पर अपलोड का प्रोसीजर नहीं दिखा रहा हूँ। और ये अभी नीचे जो है आपको कैपेचा डाल देना जो भी है और फिर इसको सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले एक बार आप कंफर्म कर लीजिए आपने जो जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि अगर एक बार उसको सबमिट कर देंगे तो फिर चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार कंफर्म कर लीजिए आपने जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल की है तो सही है या गलत है देख लीजिए, ठीक है। तो अभी हमारा एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा।
तो मेरा एप्लीकेशन ऑलरेडी रेडी है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे रहता है। तो ये लास्ट टाइम ही मैंने फिल करके रखा था, तो इसलिए। तो ये देखिए, ऐसा आपका एप्लीकेशन आएगा। फिर इसको आपको जो है यहाँ पे फोटो रहता है पहले ही तो आ जाएगा, नहीं तो आप ऊपर से लगा सकते हो। ये आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर, और फिर आपको इसका प्रिंट निकाल के जो मैंने पहले डॉक्यूमेंट बताए वो, उनकी जेरोक्स और आपका ओरिजिनल जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको भेजना है MCH को बाय पोस्ट। और आप उनको ईमेल भी कर दे, ताकि जैसे ही उनकी NOC रेडी हो जाएगी तो वो आपको ईमेल पे आपकी NOC जो है दे देंगे। आप यहाँ से विंडो को क्लोज कर सकते हैं, और ऊपर ऑप्शन है प्रिंट के लिए, तो यहाँ पे देखिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन, तो प्रिंट कर दीजिए उसको। और ऑनलाइन पेमेंट का तो वहाँ पे ऑप्शन है, तो वो ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। तो समझ गए। और फिर याद रखिए कि कभी भी ऐसे इम्पोर्टेंट काम करने के बाद जो है आपको आपकी प्रोफाइल से लॉग आउट हो जाना है, ठीक है? तो मैं लॉग आउट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू।